महानगर कोलकाता के नारगलडांगा इलाके में स्थित कैनल ईस्ट रोड के निवासियों को इन दिनों गैर पार्किंग के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहां के लोगों को इस अवैध पार्किंग के कारण आने जाने में परेशानी हो रही है। हालत यह है कि कहीं कहीं तो सिर्फ 4 से 3 फुट ही रास्ता आने जाने के लिए बच गया है और इस अवैध पार्किंग सिस्टम को खत्म करने और अवैध वैट को खत्म करने के लिए आज कैनल ईस्ट रोड इलाके में कोलकाता पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के साथ स्थानीय वार्ड नंबर 29 के काउंसिलर इकबाल अहमद ने हालात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ESD प्रियव्रत रॉय, नारकलडांगा थाने के OC अरिंदम भट्टाचार्य, उल्टाडांगा और बिलगछिया ट्रैफिक गार्ड अधिकारी मौजूद थे। ये इलीगल पार्किंग 49 कैनल ईस्ट रोड से शुरू होकर मानिक तल्ला ब्रिज तक फैली हुई है। इस अवसर पर DC ESD ने बताया है कि अगले 15 दिनों में हम लोग पूरे सिस्टम को ठीक करने का अवेयरनेस करेंगे। यहां के बकरी मंडी के व्यवसायियों के साथ मीटिंग की जाएगी, गाड़ी पार्किंग करने वालों के साथ भी वार्तालाप किया जाएगा और उसके बाद कोलकाता पुलिस प्रशासन यहाँ से पार्किंग के सिस्टम को सिस्टमिकली करेगी। कैनल वेस्ट रोडटा डिकंजेशन सम्भव हो तो আমরা একই স্ট্র্যাটেজি নেব ক্যানেল ইস্ট রোডের ক্ষেত্রে। আমরা সবার আগে এখানকার যারা লোক আছে, যারা গাড়ি ব্যবহার করছেন বা লরির মালিক যারা আছেন, তাদেরকে আমরা সবার আগে অ্যাওয়ার করব জিনিসটা যে কতটা পার্কিং আছে, কতটা পার্কিং রাখা যেতে পারে, সেই জিনিসটা সম্পর্কে বলা হবে। এখানে যেই হাট বসছে, সেই হাটের যারা ব্যবসায়ী আছেন তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলবো। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ফিডব্যাকটা নেওয়া হবে এবং তাদেরকেও বোঝানো হবে যে ব্যবসাটাকে কীভাবে রেগুলেট করা যায়, সুস্থ স্বাভাবিকভাবে কীভাবে রাস্তাটাকে মেনটেন রেখে সমস্ত কাজ করা যেতে পারে। এই জিনিসটা বলার পরে আশা করছি 15 দিনের মধ্যে আমরা ডিকনজেশনটা সম্পূর্ণ করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। তাহলে 15, হ্যাঁ মোটামুটি 15 দিনের মধ্যে আমরা জিনিসটা করার চেষ্টা করছি। ওকে। वहीं काउंसिलर इकबाल अहमद ने लोगों से अपील की है कि वो अवैध पार्किंग ना करें और यहां वहां कूड़े कचरे ना फेंकें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही सभी पक्षों से मिलकर इस मसले का समाधान किया जाएगा। আপনিও দেখবেন মাঝে মাঝে আপনার গাড়ি দিতে পারেন। এগুলো একটা প্রপার এস্টিমেট লাগবে যে কতগুলো গাড়ি এক্সাক্ট দাঁড়িয়ে যাবে। 80 টাকা देखिए, हम लोग इसलिए कि आवाम अच्छे ढंग से रह पाए, आवाम अच्छे माहौल में रह पाए। हम ये चाहते हैं कि जब हमें आवाम ने भरोसा जिस तरह से डेवलपमेंट, सफाई सब, जैसे लाइटिंग, रोशनी, अच्छे वो हवा में रहने के लिए जिस तरह से हमें उम्मीद जाहिर की, हम उस जगह पर खड़ा होने के लिए कोशिश करें उतरने के लिए कि आवाम को अच्छे से अच्छा सेवा दे पाए। हमारे लोकल थाना, हमारे DCSD, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, तमाम लोग कॉपरेट करें कि इलाका से हर तरह से कॉपरेट कर रहे हैं, OC, DC, ट्रैफिक, कि हम लोग इलाका को किस तरह से अमन और शांति से अच्छे माहौल में रख पाएँ। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम लोग इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। गैरकानूनी पार्किंग बहुत बड़ा मसला है, गैरकानूनी पार्किंग है, इसी के खिलाफ इंक्वायरी भी है। हमारा DC ट्रैफिक बोल रहे हैं उसके खिलाफ स्टेप होगी और आवाम को सहूलत दी जाएगी। वैट भी हम लोगों ने देखा कि पूरा वैट, देखिए वैट ये इलीगल है। वैट हमारा कॉर्पोरेशन 2 कंपैक्टर मशीन बनाया है, एक इस पर एक उस पर। ऑलरेडी ये कुछ लोग घर के लोग लोकल लोग फेंक देते हैं, उसके लिए हम लोग स्टेप ले रहे हैं, बार बार कंपेनिंग करें। उम्मीद है कि वो भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। लोग ये बोलते हैं कि बगली क्षण में जो जिस तरह से जो गाड़ियाँ आती, जो पार्किंग, ये भी बहुत बड़ा मसला यहाँ के लिए लोग बोलते हैं। उसी के लिए तो आज हम लोग का दौरा हुआ, उसको भी हम लोग कंट्रोल कर लेंगे कि पब्लिक को सहूलत हो, पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। क्या फैसला यहाँ से ये हुआ कि 15 दिन हम लोग इसको कंपेनिंग करेंगे, आवाम के साथ बैठेंगे, कारोबारियों के साथ बैठ के एक सोल्यूशन आएगा कि कारोबार भी हो, जो पार्किंग फी एरिया उसमें पार्किंग भी रहे और आवाम को भी तकलीफ ना हो, ये हल निकाल के हम लोग इस रास्ते को अच्छा बनाए। पार्किंग इससे कॉर्पोरेशन में कुछ आमदनी होता है? देखिए यहाँ पार्किंग का कुछ है, पार्किंग फी है कुछ है, लेकिन उसके अलावा इलीगल होता है, उसके लिए हम लोग लाइनअप करेंगे, जितना पार्किंग होता है रिकोगनाइज करेंगे, जितना है उतना रहेगा, इलीगल पार्किंग ना रहे। ओके, शुक्रिया।